हेलो एवरीवन, दिस इज़ मेघा यादव। वेलकम बैक टू द चैनल। और सेशन स्टार्ट करने से पहले कि आप अपनी तैयारी करते रहिए, चाहे वो एग्ज़ाम आपका 5 जुलाई को हो या ना हो, आपको एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर्ड रहना है, तैयारी को स्लो डाउन नहीं करना है। जितने भी टॉपिक्स आप पढ़ते हो, क्वेश्चंस बनाओ, क्वेश्चन सॉल्व करो, उससे प्रैक्टिस होता है और उससे जो टॉपिक्स होते हैं वो क्लियरली आपके दिमाग में बैठ जाते हैं या आपको याद रहते हैं। ठीक है, तो सेशन स्टार्ट करते हैं हम आज का। आज का सेशन के लिए मैंने चूज़ किया है टॉपिक इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड्स ऑफ टीचिंग। ये दोनों डिफरेंट मेथड्स हैं और अपोजिट भी हैं एक दूसरे से। मेथड्स ऑफ टीचिंग कह सकते हैं, मेथड्स ऑफ टीचिंग होते हैं। तो इन्हें समझने से पहले हम समझेंगे कन्वर्जन एंड डाइवर्जन थिंकिंग, जिसके थ्रू आप इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड को अच्छे से समझ पाओ। सो लेट्स बिगिन। तो एक ब्रीफ सा नॉलेज कन्वर्जन थिंकिंग के बारे में कि इसे हिंदी में कहते हैं अभिसारी सोच। इसमें होता ये है कि आपको एक लिमिटेड रेंज में जाके एक सिंगल आंसर को ढूंढना होता है। ठीक है, सिंगल आंसर होता है इसमें, एक से ज़्यादा आंसर्स नहीं हो सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में। और होता ये है कि इसमें क्रिएटिविटी आपको नहीं दिखानी होती, जितनी आपका नॉलेज है या स्किल है उसी को यूज़ करते एक लिमिटेड रेंज में जाके आंसर को ढूंढना होता है। ऐसे जो सोच या जो थिंकिंग हम अप्लाई करते हैं उसे बोला जाता है कन्वर्जेंट थिंकिंग। इसका बेस्ट एग्जांपल हम ले सकते हैं MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसमें होता यह है कि आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए रहते हैं, आप क्वेश्चंस को पढ़ते हो क्वेश्चन को और डायरेक्टली ऑप्शंस में चले जाते हो। उसमें से 4 ऑप्शन में से जो आपको अप्रोप्रिएट लगता है आप उसे टिक आउट कर देते हो या आपको पता होता है कि ये सही आंसर है। इसमें आपको क्वेश्चन के पूरे नॉलेज को या कह सकते हैं कि पूरा एक्सप्लोर नहीं करना होता है, सारे साइड्स में जाके देखना नहीं होता है, बस आपको इन 4 ऑप्शंस को देखना है, उसमें से आपको सही आंसर को टिक आउट कर देना है। तो इस टाइप की जो सोच या जो थिंकिंग हम लगाते हैं, अप्रोच जो हम लगाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कन्वर्जन थिंकिंग। अब बात आती है डाइवर्जन थिंकिंग की। तो डाइवर्जन थिंकिंग मतलब कि अलग सोचना। ठीक है, तो ये जस्ट अपोजिट है कन्वर्जन थिंकिंग का। इसमें ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, कन्वर्जन थिंकिंग में क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, मतलब सिंगल आंसर। इसमें होते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस। इसका बेस्ट एग्जांपल हम ले सकते हैं ऐसे राइटिंग। ठीक है, निबंध लिखने का जो अगर आप टास्क देते हो किसी क्लास में, तो आपको पता होगा या आप समझ सकते हो कि सारे बच्चे जो है वो सेम आंसर नहीं लिखते हैं। ऐसा तो नहीं है कि सबका प्रोसीड्योर सेम रहेगा, वर्ड सेम रहेंगे, कंटेंट सेम रहेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो ये जो एग्जाम्पल है वो हो गया हमारा डाइवर्जन थिंकिंग का। तो अब इस चार्ट के थ्रू हम एक रिवीजन ले लेते हैं कि एक बहुत सारे फैक्ट्स को आप जमा करके एक सिंगल आंसर निकालते हो किसी भी क्वेश्चन या प्रॉब्लम के लिए, दैट इज़ कॉल्ड कन्वर्जन थिंकिंग। और एक सिंगल फैक्ट को यूज़ करके आप डिफरेंट आइडियाज़ में अपने दिमाग को यूज़ करते हो या कह सकते हैं अपने कॉग्निशन को यूज़ करते हो, एक्सप्लोर करते हो किसी एक टॉपिक को, दैट इज़ कॉल्ड डाइवर्जन थिंकिंग। तो ये था हमारा कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग, और क्वेश्चंस इनसे भी आते हैं। आप ये मत सोचना कि इसे बस यूज़ कर रहे हैं इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड्स को समझने के लिए, इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं। कोई भी एक सिचुएशन दे दिया जाता है क्वेश्चन में और बोला जाता है कि आप बताओ ये कन्वर्जेंट थिंकिंग है या डाइवर्जेंट थिंकिंग है। तो अब चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, दैट इज़ इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड्स ऑफ टीचिंग। सो द फर्स्ट वन इज़ इंडक्टिव मेथड, जिसे हिंदी में कहते हैं आगमन विधि। इससे रिलेटेड सारे पॉइंट्स को मैंने लिख दिया है एक ब्रीफ नोट्स कह सकते हैं आप इसे, जो आपको बहुत हेल्प करेगी। तो इस मेथड में होता यह है कि चीज़ों को सिंपल से कॉम्प्लेक्स किया जाता है। मतलब एक बच्चे को अगर आप पढ़ा रहे हो तो पहले सिंपल चीज़ों को समझाओगे, उसके बाद धीरे धीरे उस पर्टिकुलर टॉपिक को कॉम्प्लेक्स की तरफ ले जाएंगे। हम लोग नोन टू अननोन करते हैं, मतलब जो चीज़ वो जानते हैं पहले से उन्हें को यूज़ करके धीरे धीरे हम लोग फिर अननोन की तरफ जाते हैं। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया एग्जाम्पल टू रूल। ठीक है, पहले बच्चे को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं, फिर रूल्स में जाते हैं। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दे दी हूँ कि अगर आप छोटे बच्चों को शेप्स पढ़ा रहे हो, ठीक है, तो शेप्स पढ़ाने के लिए आप उन्हें डायरेक्टली बोर्ड में ड्रॉ करके बताने से अच्छा है कि पहले आप उन्हें एग्जाम्पल दिखाओ। फॉर एग्जाम्पल वो बॉल से खेलते हैं, ठीक है, जो चीज़ वो देख रहे हैं, जो चीज़ वो जान रहे हैं, उनके हेल्प से पढ़ाने में वो ज़्यादा आसानी से समझते हैं चीज़ों को। तो पहले हम बॉल दिखाएंगे उसे कि ये बॉल है, बॉल का ये जो शेप है जैसा ये दिख रहा है इसे कहते हैं स्फेयर। ठीक है, तो अब उसे एग्जाम्पल से हम रूल की तरफ ले गए कि ये जो शेप होता है वो स्फेयर कहलाता है। ऐसे ही और भी चीज़ें हम एक बुक दिखा के हम कह सकते हैं कि क्यूबॉइड शेप हो गया मोटा सा बुक, या कोई बॉक्स दिखा के कह सकते हैं ये क्यूब कहलाता है। तो ये सारी जो चीज़ें, ये जो मेथड है, दैट इज़ कॉल्ड इंडक्टिव मेथड। ओके,
चीज़ों को कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट किया जाता है, मतलब वो जो चीज़ वो जानते हैं पहले से, जो वो देख रहे हैं उनकी हेल्प से फिर उन्हें पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है और धीरे धीरे एब्स्ट्रैक्ट यानी कि इमेजिनेशन पे ले जाया जाता है। बॉटम अप अप्रोच कहते हैं इसे, मतलब नीचे से ऊपर तक की सारी प्रोसेस जो होती है वो स्टार्ट होती है एकदम बॉटम से और ऊपर तक जाते हैं। स्पेसिफिक टू जनरल, जो एग्ज़ाम्पल मैंने अभी बताया शेप्स का, ये वही हो गया कि एक स्पेसिफिक बॉल को लेकर आप कह रहे हो, एक विशिष्ट चीज़ को लेकर आप कह रहे हो कि इसे स्फेयर कहते हैं, लेकिन फिर उसे हम लोग जनरलाइज कर देते हैं, सामान्यकरण कर देते हैं उसका, कि इस शेप की जितनी भी चीज़ें हैं वो स्फेयर कहलाती है, चाहे वो छोटा सा बॉल से लेकर अर्थ क्यों ना हो। ठीक है, और ये जो अप्रोच होता है, ये जो इंडक्टिव मेथड होता है, इसमें जो सोच अप्लाई करते हैं इसमें जो सोच हम अप्लाई करते हैं दैट इज़ कॉल्ड डाइवर्जेंट थिंकिंग, जो अभी हमने पढ़ा। ठीक है, अब ये जो मेथड होता है वो एलिमेंट्री क्लासेस के लिए अच्छा है, मतलब कि जूनियर क्लासेस के लिए यूज़ किया जाता है ज़्यादातर, क्योंकि बच्चों को एग्जांपल के थ्रू समझाने के बाद वो प्रोसेस या रूल्स पे जाने में ज़्यादा आसानी होती है और वो इसी मेथड से समझना चाहते हैं और समझते भी हैं। इसे हम कहते हैं लर्निंग बाय डूइंग, ये जो मेथड है वो लर्निंग बाय डूइंग को ज़्यादा कह सकते हैं कि बढ़ावा देता है या अप्लाई करता है। अब बात आती है डिडक्टिव मेथड की, जिसे हम हिंदी में कहते हैं निगमन विधि। ठीक है, ये जस्ट अपोजिट होता है इंडक्टिव मेथड के, इसमें भी मैंने पॉइंट्स लिख दिए हैं, आप देख सकते हो। तो डील करते हैं पॉइंट्स को, कि होता ये है कि इसमें कॉम्प्लेक्स टू सिंपल की तरफ जाता है, कॉम्प्लेक्स चीज़ों को पहले पढ़ाई जाती है, उसके बाद सिंपल उसे सिंपलर किया जाता है। अननोन टू नोन, रूल टू एग्जाम्पल, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि पहले रूल बताया जाता है उसके बाद एग्जाम्पल की तरफ जाया जाता है। इसे हम समझ सकते हैं एक और मैथ्स के एग्जाम्पल से, कि फॉर एग्जाम्पल आप रूल्स पढ़ा रहे हो या ये जो फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर आप पढ़ा रहे हो। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि आप पहले बच्चे को क्वेश्चन दे दोगे और बोलोगे कि इसे बना के दिखाओ, नहीं, होता ये है कि इसमें हम पहले रूल्स बता देते हैं बच्चों को कि ये फॉर्मूला है, ये रूल है, आपको ये याद कर लेना है या जो भी प्रैक्टिस कर लेना है ताकि आप क्वेश्चन को बना सको। इस रूल को बताने के बाद हम बच्चों को क्वेश्चन देते हैं ताकि वो आसानी से बना सके। तो ये जो मेथड है दैट इज़ कॉल्ड रूल टू एग्जाम्पल, और एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट जाया जाता है। इसमें टॉप डाउन अप्रोच कहते हैं इसे, जनरल टू स्पेसिफिक किया जाता है इसे, पहले जनरल चीज़ों को बताया जाती है फिर उसे स्पेसिफिक किया जाता है, विशिष्ट किया जाता है। और इंडक्टिव मेथड की जस्ट अपोजिट, इसमें कन्वर्जेंट थिंकिंग की यूज़ की जाती है, मतलब एक सिंगल आंसर ढूंढना होता है इसमें। ऐसे अप्रोच या ऐसे मेथड्स को कहते हैं डिडक्टिव मेथड। इसे जनरली यूज़ किया जाता है अपर क्लासेस के लिए, जहाँ पे आप रूल्स को बता सकते हो उसके बाद एग्जांपल्स की तरफ जा सकते हो। तो इसके लिए हाई कॉग्निशन की ज़रूरत होती है, बच्चे जो है वो बड़े होने चाहिए ताकि वो चीज़ों को आसानी से समझ पाए। और इसका एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं इंग्लिश ग्रामर। ग्रामर को सीखने के लिए पहले हमें रूल्स को बताया जाता है, उसके बाद सेंटेंस फॉर्मेशन या और भी डिफरेंट चीज़ें बताई जाती हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को इसलिए अपर क्लासेस में पढ़ाया जाता है ताकि बच्चे समझ पाए डिडक्टिव मेथड के हेल्प से। तो ये थी हमारी दो मेथड्स ऑफ टीचिंग, दैट इज़ इंडक्टिव मेथड एंड डिडक्टिव मेथड, जिससे हमें पता चलता है कि नॉट ऑल प्रॉब्लम्स रिक्वायर द सेम अप्रोच। सारे प्रॉब्लम्स के लिए सिंगल सॉल्यूशन या सिंगल अप्रोच ही ज़रूरी नहीं होती है, उसमें हम डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस यूज़ करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके यूज़ करते हैं आंसर या सॉल्यूशन ढूंढने के लिए। ओके, सो नाउ आई हैव सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर यू। सो द क्वेश्चन इज़, विच मेथड इज़ बेस्ड ऑन द थ्योरी From example to generalization, मतलब कि example पहले बताते हैं उसके बाद हम उसे generalize करते हैं या rule की तरफ जाते हैं, तो ये किस method में हुआ था? तो ये हमने अभी देखा कि inductive method में ये चीज़ होता है, ये approach किया जाता है कि पहले हम example जाते हैं फिर rules की तरफ जाते हैं। So B1 is the correct answer। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो कि मैंने मैथ्स के पेपर से चूज़ किया है आपके लिए, ताकि आपको पता चले कि डिफरेंट पेडागोजीज़ में कैसे क्वेश्चंस को डाला जाता है। सो द क्वेश्चन इज़, अनीसा एंड अमित स्टडी इन क्लास 7th। ठीक है, अनीसा टोल्ड अमित दैट इफ़ द मार्क्स इन मैथमेटिक्स ऑफ ईच स्टूडेंट इन द क्लास आर इंक्रीज्ड बाय 5, द एवरेज वुड गो अप बाय 5। सी फर्दर
सेज दैट इट इज़ ट्रू फॉर ऑल नंबर्स, मतलब कि वो उस अमित को, अनीसा जो है अमित को पहले एक एग्जांपल के थ्रू समझाती है कि अपने क्लास में अगर मार्क्स को 5 नंबर से, हर एक स्टूडेंट के मार्क्स को 5 नंबर से बढ़ा दिया जाएगा तो जो एवरेज होगा, जो औसत होगा, वो 5 नंबर से बढ़ जाएगा पूरे क्लास का। और इसे फिर वो जनरलाइज़ कर देती है कि ये सारे नंबर्स पे वैलिड होता है, ये सारे नंबर्स के लिए है। लेकिन अमित डज नॉट एग्री एंड अनीसा प्रूव्स इट बाय टेकिंग द केस एन। लेकिन अमित एग्री नहीं होता है, वो कहता है ऐसा नहीं हो सकता है, तो अनीसा उसे एक एग्जांपल एन को लेकर समझाती है, उसी चीज़ को प्रूव करती है। ठीक है, तो अनीसा क्या यूज़ कर रही है, कौन सा मेथड यूज़ कर रही है, कौन सा लॉजिक यूज़ कर रही है, तो ये एक सिचुएशनल क्वेश्चन दे दिया जाता है। ये पेपर 2 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा था कि एग्जांपल टू रूल जाने के लिए जो फॉर्म, जो मेथड या जो अप्रोच होता है, वो होता है हमारा इंडक्टिव मेथड, इंडक्टिव लॉजिक। सो द फोर्थ वन इज़ द करेक्ट आंसर। और अब ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। अगर आप खुद से पढ़िए, रीड आउट कीजिए, इसमें बस इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड्स दिए हुए हैं, यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, एक और मेथड साथ में दे दिया गया है, आपको मैच करना है। ठीक है, तो इसका आप आंसर जो है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। तो ये था हमारा आज का सेशन, बहुत ही छोटे वीडियो में बहुत सारा कंटेंट दे दिया है मैंने, तो होपफुली आपकी हेल्प होगी और चीज़ों को आप नोट डाउन भी कर सकते हो, एक रिवीजन के लिए बहुत हेल्पफुल होगी आपके लिए मेरे हिसाब से। तो पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच।